इंडियन आर्मी के पास आपने मारुति की ऑफ रोड जिप्सी को जरूर देखा होगा। मारुति जिप्सी इतनी भरोसेमंद गाड़ी है जिसकी 35,000 से अधिक गाड़ियों को भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो किसी भी परिस्थिति में ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर आसानी से चलने के लिए जानी जाती है। पहली बार 1985 में पेश की गई मारुति सुजुकी जिप्सी को 2019 यानी लगभग 34 साल तक भारत में बेचा गया। कंपनी इसे दो वेरिएंट में बेचती थी जिसमें हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप शामिल है। इसके सभी चुनिंदा मॉडल 4WD ऑप्शन के साथ आते थे। साल 2018 में कंपनी को कई उत्सर्जन नियम और सुरक्षा मानकों के चलते इसे बंद करना पड़ा था। इसे मारुति सुजुकी के गुड़गांव स्थित प्लांट में बनाया जाता था। हालांकि ये गाड़ी आम लोगों के लिए तो जरूर बंद हो गई, लेकिन भारतीय सेना, पुलिस और कानून प्रवर्तन द्वारा इस कार को अभी भी उपयोग में लिया जा रहा है। हाल ही में इंडियन आर्मी सेल, IIT दिल्ली और टैडपोल ईवी नाम के एक स्टार्टअप ने मिलकर संयुक्त रूप से पुरानी मिलिट्री जिप्सियों को इलेक्ट्रिक वाहन में भी बदला है। ये प्रयोग कितना सफल होगा ये देखना होगा। वही अब हाल ही में मारुति ने 2023 ऑटो एक्सपो में 5-डोर जिम्नी को पेश किया था। इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि जिप्सी को चाहने वाले लोग 5-डोर जिम्नी की ओर रुख कर सकते हैं। मारुति जिम्नी के पेश होने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि जिप्सी की जगह मारुति जिम्नी ले सकती है। न सिर्फ आम लोग बल्कि भारतीय सेना भी जिम्नी की तरफ नजर लगाए हुए है। कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं जिम्नी को आर्मी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिम्नी में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे सेना के लिए काफी उपयुक्त वाहन बना देती हैं। इन खूबियों में सबसे बड़ी खूबी जिम्नी का 4x4 होना है। इसके साथ ही इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल असिस्ट, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जैसे फीचर्स हैं। SUV का डिपार्चर एंगल 50 डिग्री, रैम ब्रेकओवर एंगल 24 डिग्री, अप्रोच एंगल 36 डिग्री और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है। जिम्नी की लंबाई 3,985 mm है और इसकी चौड़ाई 1,645 mm और ऊंचाई 1,720 mm है। जिम्नी का व्हील बेस 2,590 mm है। वहीं इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर की है। भारतीय सेना लंबे समय से जिप्सी का उपयोग सेना की ओर से सामान्य मैदानी इलाकों के साथ ही रेगिस्तान और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी करती रही है। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए अब जिम्नी का साइज और फीचर्स इसे सेना के लिए उपयुक्त बनाते हैं। मारुति सुजुकी ने दावा किया है कि भारतीय बाजार में आने वाली जिम्नी 5-डोर SUV की पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 1 लीटर फ्यूल के इस्तेमाल में 16.94 किलोमीटर माइलेज देने में सक्षम है। इसकी पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 1 लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 16.39 किलोमीटर का माइलेज देती है। ये माइलेज के आंकड़े ARAI सर्टिफाइड है। लॉन्च के बाद सड़कों पर चलने के दौरान माइलेज में ड्राइविंग पैटर्न और रोड की स्थिति के आधार पर माइलेज में अंतर देखने को जरूर मिल सकता है। वहीं ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ दो तरह के गियर बॉक्स, 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जोड़े गए हैं। कस्टमर मन मुताबिक इंजन विकल्प को चुन सकते हैं। बेहतर ऑफ रोड क्षमताओं के लिए इसे मानक के रूप से ऑल ग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम मिलेगा। अगले महीने यानी जून 2023 में मारुति सुजुकी जिम्नी की कीमतें भी सामने आ जाएंगी। इसमें दो वेरिएंट जेटा और अल्फा पेश किया जा सकता है। मारुति के इस मोस्ट अवेटेड SUV की एक शोरूम कीमत 9.9 लाख रुपए से 13.99 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। यानी मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये गाड़ी 10 से 14 लाख रुपए के बीच में बाजार में मिल सकती है।